शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ऐ पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं, यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। जो लोग काफिर हैं उन्हें तुम नसीहत करो या ना करो उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था, अल्लाह ने इनका मर्ज और ज्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न डालो तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, देखो ये बिला शुबा मुफसिद हैं, लेकिन खबर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ ईमान ले आए हैं उसी तरह हम भी ईमान ले आए, सुन लो कि यही बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और मुसलमानों से तो हम हंसी किया करते हैं। इन मुनाफिकों से अल्लाह हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो न तो इनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न ये हिदायत याब ही हुए। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने शबे तारीख में आग जलाई, जब आग ने उसके इर्द गिर्द की चीजें रोशन की तो अल्लाह ने उन लोगों की रोशनी जायल कर दी और उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं देखते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि किसी तरह सीधे रास्ते की तरफ लौट ही नहीं सकते। या इनकी मिसाल में किसी है कि आसमान से बरस रहा हो और उसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहा हो और बिजली कौंद रही हो तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगलियां दे ले। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है, करीब है कि बिजली की चमक इनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती और इन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाती हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो इनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों को जायल कर देता, बिला शुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगो अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से मेह बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए अनवाओ अकसाम के मेवे पैदा किए, बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ और तुम जानते तो हो। और अगर तुमको इस किताब में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाई है कुछ शक हो तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ऐसा न कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए नेमत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होंगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह इस बात से आर नहीं करता कि मच्छर या इससे बढ़कर किसी चीज मसलन मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसाल बयान फरमाए। अब जो मोमिन है वो यकीन करते हैं कि वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है, इससे अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत बख्शता है और गुमराह भी करता है तो नाफरमानों ही को, जो अल्लाह के इकरार को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं
और जिस चीज यानी रिश्ते कराबत के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको कतई किए डालती हैं और जमीन में खराबी करते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों, तुम अल्लाह से क्यों कर मुनकिर हो सकते हो, जिस हाल में कि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जान बख्शी, फिर वही तुमको मारता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने सब चीजें जो जमीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ तो उनको ठीक ठीक सात आसमान बना दिया, और वो हर चीज से खबरदार है। और वो वक्त याद करने के काबिल है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे, और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और उसने आदम को सब चीजों के नाम सिखाए, फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया कि अगर सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं, बेशक तू दाना है, हिकमत वाला है। तब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम, तुम इनको इन चीजों के नाम बताओ। सो जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की सब पोशीदा बातें जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो पोशीदा करते हो सब मुझको मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहां से चाहो बेरोक टोक खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐश व निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्त बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो, और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया, बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना, कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुठलाया वो दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। ऐ आले याकूब, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और उस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था। मैं उस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था, और मुझी से डरते रहो, और जो किताब मैंने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, जो तुम्हारी किताब यानी तौरात को सच्चा कहती है, उस पर ईमान लाओ और उससे मुनकिर अव्वल न बनो, और मेरी आयतों में तहरीफ करके उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफ़ात ना हासिल करो, और मुझी से खौफ रखो, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और सच्ची बात को जानबूझ कर न छुपाओ, और नमाज पढ़ा करो और जकात दिया करो और अल्लाह के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। ये क्या अक्ल की बात है कि तुम लोगों को नेकी करने को कहते हो और अपने तई फरामोश किए देते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब भी पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? और रंज तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो, और बेशक नमाज गरा है मगर उन लोगों पर गरा नहीं जो इज्ज करने वाले हैं, जो यकीन किए हुए हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ याकूब की औलाद, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे, और ये कि मैंने तुमको जहान के लोगों पर फजीलत बख्शी थी, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आए और न किसी की सिफारिश मंजूर की जाए और न किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाए और न लोग किसी और तरह मदद हासिल कर सकें। और हमारे उन एहसानात को याद करो जब हमने तुमको कौम फिरौन से नजात बख्शी, वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे, और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी सख्त आजमाइश थी। और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया फिर तुमको तो नजात दी और फिरौन की कौम को गर्क कर दिया और तुम देख रहे थे। और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया तो तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया और तुम जुल्म कर रहे थे।
फिर उसके बाद हमने तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र करो, और जब हमने मूसा को किताब और मौजज़े इनायत किए ताकि तुम हिदायत हासिल करो, और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों तुमने बछड़े को माबूद ठहराने में अपनी जानों पर जुल्म किया है तो अपने पैदा करने वाले के आगे तौबा करो, फिर अपनों को कत्ल करो, तुम्हारे खालिक के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है, फिर उसने तुम्हारा कसूर मुआफ कर दिया, वो बेशक बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुमने मूसा से कहा कि मूसा जब तक हम अल्लाह को सामने न देख लेंगे तुम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो तुमको बिजली ने आ घेरा और तुम देख रहे थे, फिर मौत आ जाने के बाद हमने तुमको अस्सरे नौ जिंदा कर दिया ताकि एहसान मानो, और हमने बादल का तुम पर साया किए रखा और तुम्हारे लिए मन्नो सलवा उतारते रहे कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने उन नेमतों की कुछ कदर न जानी, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। और जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हित्वतुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे, तो जो जालिम थे उन्होंने उस लफ्ज को जिसका उनको हुक्म दिया था बदल कर उसकी जगह और लफ्ज कहना शुरू किया, बस हमने उन जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया क्योंकि नाफरमानियां किए जाते थे। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए हमसे पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो, उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोजी खाओ और पियो और जमीन में फसाद न करते फिरना। और जब तुमने कहा कि मूसा हमसे एक ही खाने पर सब्र नहीं हो सकता तो अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि तरकारी और ककड़ी और गेहूं और मसूर और प्याज वगैरह जो नबातात जमीन से उगती हैं हमारे लिए पैदा कर दे। उन्होंने कहा कि उम्दा चीजें छोड़कर उनके बदले नाकिस चीजें क्यों चाहते हो, अगर यही चीजें मतलूब हैं तो किसी शहर में जा उतरो, वहां जो मांगते हो मिल जाएगा, और आखिरकार जिल्लत रुस्वाई और मोहताजी और बेनवाई उनसे चिमटा दी गई और वो अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हो गए। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे और उसके नबियों को नाहक कत्ल कर देते थे, यानी इसलिए कि नाफरमानी किए जाते और हद से बढ़े जाते थे। जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम मजहब का हो, जो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला अल्लाह के यहां मिलेगा और कयामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़े रहो और जो उसमें लिखा है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो, फिर तुम उसके बाद अहद से फिर गए, सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो तुम खसारे में पड़ गए होते। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा कि जलील खार बंदर हो जाओ, और इस किस्से को उस वक्त के लोगों के लिए और जो उनके बाद आने वाले थे इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दिया। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल जबह करो, वो बोले क्या तुम हमसे हंसी करते हो, मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि नादान बनूं। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें यह बताए कि वो बैल किस तरह का हो, मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल न तो बूढ़ा हो और न बछड़ा बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो, सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा अपने परवरदिगार से दरखास्त कीजिए कि हमको यह भी बता दे कि उसका रंग कैसा हो, मूसा ने कहा परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा अब के परवरदिगार से फिर दरखास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं और अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, न तो जमीन जोतता हो और न खेती को पानी देता हो,
बेऐब हो, उसमें किसी तरह का दाग न हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गरज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को जबह किया, जबकि वो ऐसा करने वाले लगते न थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल किया तो उसमें बाहम झगड़ने लगे, हालांकि जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको जाहिर करने वाला था। चुनाचे हमने कहा कि उस बैल का कोई सा टुकड़ा मक्तूल को मारो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज्यादा सख्त, और पत्थर तो बाजे ऐसे होते हैं कि उनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाजे ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलने लगता है, और बाजे ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलामुल्लाह यानी तौरात को सुनते फिर उसके समझ लेने के बाद उसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर जाहिर फरमाई है वो तुम उनको इसलिए बताए देते हो कि कयामत के दिन उसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्जाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है, और बाज उनमें अनपढ़ हैं कि अपनी आरजुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ ही नहीं, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। सो उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते ये हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है, ताकि उसके इवज थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मनफात हासिल करें। सो उन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर उन पर अफसोस है इसलिए कैसे काम करते हैं, और कहते हैं कि दोजख की आग हमें चंद रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतलक इल्म नहीं? हां, क्यों नहीं, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से उसको घेर लें तो ऐसे लोग दोजख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें जलते रहेंगे, और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा उसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना और लोगों से अच्छी बातें कहना और नमाज पढ़ते और जकात देते रहना, तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब उस अहद से मुंह फेर कर पलट गए। और जब हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून न करना और अपनों को उनके वतन से न निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात को मानते भी हो। फिर तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज लोगों पर गुनाह और जुल्म से चढ़ाई करके उन्हें वतन से निकाल भी देते हो, और अगर वो तुम्हारे पास कैद होकर आए तो बदला देकर उनको छुड़ा भी लेते हो, हालांकि उनका निकाल देना ही तुम पर हराम था। ये क्या बात है कि तुम किताबुल्लाह के बाज अहकाम को तो मानते हो और बाज से इनकार किए देते हो, तो जो तुम में से ऐसी हरकत करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की जिंदगी में तो रुसवाई हो और कयामत के दिन सख्त से सख्त अजाब में डाल दिए जाएं, और जो काम तुम करते हो अल्लाह उनसे गाफिल नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीदी, सो न तो इनसे अजाब ही हल्का किया जाएगा और न इनको और तरह की मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब इनायत की और उनके पीछे यके बाद दीगरे पैगंबर भेजते रहे, और ईसा इब्ने मरियम को खुले निशानात बख्शे और रूहुल कुदस यानी जिब्राइल से उनको मदद दी। तो क्या ऐसा है कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आए जिनको तुम्हारा जी नहीं चाहता था तो तुम सरकश हो जाते रहे और एक गिरोह अंबिया को तो झुटलाते रहे और एक गिरोह को कत्ल करते रहे, और कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफर के सबब उन पर लानत कर रखी है, बस ये थोड़े ही पर ईमान लाते हैं। और जब अल्लाह के हाथ से उनके पास किताब आई जो उनकी आसमानी किताब की भी तस्दीक करती है, और वो पहले हमेशा काफिरों पर फतह मांगा करते थे, फिर जिस चीज को वो खूब पहचानते थे जब उनके पास आ पहुंची तो उससे मुनकिर हो गए,
बस काफिरों पर अल्लाह की लानत, जिस चीज के बदले उन्होंने अपने तई बेच डाला वो बहुत बुरी है, यानी इस जलन से कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपनी मेहरबानी से नाजिल फरमाता है। अल्लाह की नाजिल की हुई किताब से कुफ्र करने लगे तो वो उसके गजब बालाए गजब में मुब्तला हो गए, और काफिरों के लिए जलील करने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने अब नाजिल फरमाई है उसको मानो, तो कहते हैं कि जो किताब हम पर पहले नाजिल हो चुकी है हम तो उसी को मानते हैं, यानी ये उसके सिवा और किताब को नहीं मानते, हालांकि वो सरासर सच्ची है और जो उनकी आसमानी किताब है उसकी भी तस्दीक करती है। इनसे कह दो कि अगर तुम साहिब ईमान होते तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले ही क्यों कत्ल किया करते थे, और मूसा तुम्हारे पास खुले हुए मौजजात लेकर आए फिर तुम उनके कोहे तूर पर जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, और तुम अपने ही हक में जुल्म करते थे, और जब हमने तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफर के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रच गया था। ऐ पैगंबर उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो, और उन आमाल की वजह से जो इनके हाथ आगे भेज चुके हैं ये कभी उसकी आरजू नहीं करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, और इनको तुम और लोगों से ज्यादा जिंदगी के हरीज देखोगे, यहां तक के मुशरिकों से भी बढ़कर। इनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है कि काश वो हजार बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती, और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनको देख रहा है। कह दो कि जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का और जिब्राइल और मीकाईल का दुश्मन हो तो ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है, और हमने तुम्हारे पास सुलझी हुई आयतें इरसाल फरमाई हैं, और इनसे इनकार वही करते हैं जो बदकिरदार हैं। इन लोगों ने जब जब अल्लाह से कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसको किसी चीज की तरह फेंक दिया। हकीकत यह है कि इनमें अक्सर बेईमान हैं, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो उनकी आसमानी किताब की तस्दीक भी करते हैं तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, गोया वो जानते ही नहीं, और उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने मुतलक कुफर की बात नहीं की बल्कि शैतान ही कुफर करते थे कि लोगों को जादू सिखाते थे, और वो यानी बनी इसराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरी थी, और वह दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो जरिया आजमाइश हैं, तुम कुफर में न पड़ो। गरज लोग उनसे वो चीज सीखते जिससे मियां बीवी में जुदाई डाल दें, और अल्लाह के हुक्म के सिवा वो उस चीज से किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, और कुछ ऐसे मंत्र सीखते जो उनको नुकसान ही पहुंचाते और फायदा कुछ न देते, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजों यानी सहर और मंत्र वगैरह का खरीदार होगा उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो बुरी थी, क्या अच्छा होता जो वो इस बात को जानते, और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो अल्लाह के हाथ से बहुत अच्छा सिला मिलता, क्या अच्छा होता जो वो इससे वाकिफ होते। ऐ अहले ईमान, गुफ्तगू के वक्त पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रायना ना कहा करो, उनजुरना कहा करो, और खूब सुन रखो, और काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब है। जो लोग काफिर हैं अहले किताब या मुशरिक वो इस बात को पसंद नहीं करते कि तुम लोगों पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खैर और बरकत नाजिल हो, और अल्लाह तो जिसको चाहता है अपनी रहमत के साथ खास कर लेता है,
और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। हम जिस आयत को मंसूख कर देते या उसे फरामोश करा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देती हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की सल्तनत अल्लाह ही की है और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं? मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे? और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब अपने दिल की जलन से ये चाहते हैं कि ईमान ला चुकने के बाद तुमको फिर काफिर बना दें, हालांकि उन पर हक जाहिर हो चुका है। तो तुम माफ कर दो और दरगुजर करो यहां तक कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म भेजे। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। और नमाज अदा करते रहो और जकात देते रहो और जो भलाई अपने लिए आगे भेज रखोगे उसको अल्लाह के यहां पालोगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई बहिश्त में नहीं जाने का। ये इन लोगों के ख्यालात बातिल हैं। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर सच्चे हो तो दलील पेश करो। हां क्यों नहीं, जो शख्स अल्लाह के आगे गर्दन झुका दे यानी ईमान ले आए और वो नेकुकार भी हो तो उसका सिला उसके परवरदिगार के पास है। और ऐसे लोगों को कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और यहूदी कहते हैं कि ईसाई रास्ते पर नहीं और ईसाई कहते हैं कि यहूदी रास्ते पर नहीं, हालांकि वो किताबे इलाही पढ़ते हैं। इसी तरह बिल्कुल इन्हीं किसी बात वो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक। तो जिस बात में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं अल्लाह कयामत के दिन उसका इनमें फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र किए जाने को मना करे और उनकी वीरानी के लिए कोशिश करे। इन लोगों को कुछ हक नहीं कि इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। इनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में बड़ा अजाब। और मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो जिधर भी तुम रुख करो उधर ही अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह साहिब वसत है, बाखबर है। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फर्मा बरदार है। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है और जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग इनसे पहले थे वो भी इन्हीं किसी बातें किया करते थे। इन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिब यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। और अहले दोजख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी और तुमसे न तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक के उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो। इनसे कह दो कि अल्लाह की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और ऐ पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही इलाही के आ जाने पर भी इनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान रखते हैं, और जो उसको नहीं मानते वही खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। और जब इब्राहिम की उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल और करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता।
और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अजाब दोजख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहिम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला है जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना हुक्म बरदार बनाइयो, और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू ही तवज्जो फरमाने वाला है मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस की जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तू गालिब है साहिब हिकमत है। और इब्राहिम के दीन से कौन रूगर्दानी कर सकता है बजुज उसके जो निहायत नादान हो, और हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी वो नेक लोगों में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि मेरे फरमाबरदार हो जाओ, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रब्बुल आलमीन का फरमाबरदार हो गया। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और याकूब ने भी अपने फर्जंदों से यही कहा कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना। जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुजर चुकी, इनको इनके आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं होगी। और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते लग जाओगे। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो, नहीं बल्कि हम दीन इब्राहिम इख्तियार किए हुए हैं जो एक अल्लाह के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों, कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो दूसरे पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर, सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और हम उसी माबूद वाहिद के फरमा बरदार हैं। फिर अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो हिदायत याब हो जाएं, और अगर मुंह फेर लें और न माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ हैं, और उनके मुकाबले में तुम्हें अल्लाह काफी है, और वो सुनने वाला है जानने वाला है। कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, और हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और हम खास उसी की इबादत करने वाले हैं। ऐ यहूदो नसारा, क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे? ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की शहादत को जो उसके पास किताब में मौजूद है छुपाए? और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं। ये अंबिया की जमात गुजर चुकी, इनको वो मिलेगा जो इन्होंने किया और तुमको वो जो तुमने किया,
और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं होगी। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है, और इसी तरह हमने तुमको उम्मत मोतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह बने। और जिस किबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील किबला लोगों को गरा मालूम हुई, मगर जिनको अल्लाह ने हिदायत बख्शी है वो इसे गरा नहीं समझते। और अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही जाया कर दे, अल्लाह तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है, साहिब रहमत है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह उठाना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी किबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाने काबा की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये नया किबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं अल्लाह उनसे बेखबर नहीं। और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे किबले की पैरवी ना करें, और तुम भी इनके किबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और इनमें से भी बाज के किबले के पैरव नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास इल्म यानी अल्लाह का हुक्म आ चुका है इनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इन पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। और हर एक शख्स के लिए एक समत मुकर्रर है जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करता है, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहां होगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम जहां से निकलो नमाज में अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो, बेशुबा ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। और तुम जहां से निकलो मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो इसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्जाम न दे सकें, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्जाम दें तो दें, सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और यह भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं, और यह भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम में तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और मेरी नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुमको शऊर नहीं। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो कि उन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाकई होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर इनके परवरदिगार की इनायतें हैं और खुसूसी रहमत भी है, और यही सीधे रस्ते पर है। बेशक कोहे सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो जो शख्स खाने काबा का हज या उमरा करे उस पर कुछ गुना नहीं कि दोनों के दरमियान चक्कर लगाए, बल्कि ये एक नेक काम है, और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदरदान है दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं किसी गरज फासिद से छुपाते हैं
बावजूद है कि हमने उनको लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है। ऐसों पर अल्लाह और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते हैं और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूँ और मैं बड़ा मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान हूँ। जो लोग काफिर हुए और काफिर ही मरे, ऐसों पर अल्लाह की और फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत। वो हमेशा इसी लानत में गिरफ्तार रहेंगे। उनसे न तो अजाब हल्का ही किया जाएगा और न उन्हें कुछ मोहलत मिलेगी। और लोगों, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस बड़े मेहरबान और रहम वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और कश्तियों और जहाजों में जो समंदर में लोगों के फायदे के लिए रवा हैं और मे में जिसको अल्लाह आसमान से बरसाता और उससे जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा यानी खुश्क हो जाने के बाद सरसब्ज कर देता है और जमीन पर हर किस्म के जानवर फैलाने में और हवाओं के चलाने में और बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान घिरे रहते हैं, अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। और बाज लोग ऐसे हैं जो गैरुल्लाह को अल्लाह का शरीक बनाते और उनसे अल्लाह की सी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे अब देख लेते कि सब तरह की ताकत अल्लाह ही को है और ये कि अल्लाह सब अजाब करने वाला है। उस दिन कुफ्र के पेशवा अपने पैरों से बेजारी जाहिर करेंगे और दोनों अजाब इलाही देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। ये हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे कि ऐ काश हमें फिर दुनिया में जाना नसीब हो ताकि जिस तरह ये हमसे बेजार हो रहे हैं इसी तरह हम भी इनसे बेजार हों। इस तरह अल्लाह इनके आमाल हसरत बनाकर दिखाएगा और वो दोजख से निकल नहीं सकेंगे। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तो तुमको बुराई और बेहयाई ही के काम करने को कहता है और ये भी कि अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगर चेन के बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों तब भी वो उन्हीं की तकलीफ किए जाएंगे। जो लोग काफिर हैं उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो किसी ऐसी चीज को आवाज दे जो पुकार और आवाज के सिवा कुछ सुन न सके। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं कि कुछ समझ ही नहीं सकते। ऐ अहले ईमान, जो पाकीजा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लहू और सुअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हाँ, जो मजबूर हो जाए बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे और हद जरूरत से बाहर ना निकल जाए, उस पर कुछ गुना नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायतों को जो उसने नाजिल फरमाई हैं छुपाते और उनके बदले थोड़ी सी कीमत यानी दुनियावी मुनफात हासिल करते हैं, वो अपने पेटों में महज आग भरते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह कयामत के दिन न कलाम करेगा और न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही और बख्शिश छोड़कर अजाब खरीद लिया। ये आतश जहन्नम की कैसी बर्दाश्त करने वाले हैं। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई और जिन लोगों ने इस किताब में इख्तिलाफ किया वो जिद में आकर नेकी से दूर हो गए हैं। नेकी यही नहीं कि तुम मशरिक और मगरिब को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी यह है कि लोग अल्लाह पर और रोज आखिर पर और फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और माल बावजूद अजीज रखने के रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें
और गर्दनों के छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें और जब अहद कर लें तो उसको पूरा करें और सख्ती और तकलीफ में और जंग के वक्त साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मोमिनों, तुमको मक्तूलों के बारे में किसास यानी खून के बदले खून का हुक्म दिया जाता है, इस तरह पर कि आजाद के बदले आजाद मारा जाए और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, और अगर कातिल को उसके मक्तूल भाई के किसास में से कुछ मुआफ कर दिया जाए तो वारिस मक्तूल को पसंदीदा तरीक से करारदाद की पैरवी यानी मुतालबा खून बहा करना और कातिल को खुशखुई के साथ अदा करना चाहिए। यह तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए आसानी और मेहरबानी है। अब जो इसके बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख का अजाब है। और ऐ अहले अक्ल, हुक्म किसास में तुम्हारी जिंदगानी है कि तुम कत्ल खूनरेजी से बचो। तुम पर फर्ज किया जाता है कि जब तुम में से किसी को मौत का वक्त आ जाए तो अगर वो कुछ माल छोड़ जाने वाला हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत कर जाए। अल्लाह से डरने वालों पर यह एक हक है। फिर जो शख्स वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसके बदलने का गुनाह उन्हीं लोगों पर है जो उसको बदलें, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। अब अगर किसी को वसीयत करने वाले की तरफ से किसी वारिस की तरफदारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो अगर वो वसीयत को बदलकर वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है रहम वाला है। मोमिनों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोजों के दिन गिनती के चंद रोज हैं, तो जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजों का शुमार पूरा कर ले, और जो लोग रोजा रखने की ताकत रखें लेकिन रखें नहीं, वो रोजे के बदले मोहताज को खाना खिला दें, और जो कोई अपनी मर्जी से ज्यादा नेकी करे तो उसके हक में ज्यादा अच्छा है, और अगर समझो तो रोजा रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर है। रोजों का महीना रमजान का महीना है जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता, और ये आसानी का हुक्म इसलिए दिया गया है कि तुम रोजों का शुमार पूरा कर लो, और इस एहसान के बदले कि अल्लाह ने तुमको हिदायत बख्शी है तुम उसको बुजुर्गी से याद करो और उसका शुक्र करो। और ऐ पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो उन्हें मालूम हो कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूं, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान रखें ताकि नेक रास्ता पाएं। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना जायज कर दिया गया है, वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनके पास जाने से अपने हक में खयानत करते थे, सो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकात से दरगुजर फरमाई, तो अब तुमको इख्तियार है कि उनसे मुबाशरत करो। और अल्लाह ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है यानी औलाद, उसको अल्लाह से तलब करो और खाओ और पियो यहां तक कि सुबह की सफेद धारी रात की सियाह धारी से अलग नजर आने लगे, फिर रोजा रखकर रात तक पूरा करो, और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठते हो तो उनसे मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास न जाना। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें लोगों के समझाने के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। और आपस में एक दूसरे का माल ना हक न खाओ और न उसको रिश्वतन हाकिमों के पास पहुंचाओ ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर खा जाओ, और इसे तुम जानते भी हो। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे नए चांद के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि घटता बढ़ता क्यों है, कह दो कि वो लोगों के कामों की मियादें और हज के वक्त मालूम होने का जरिया है, और नेकी इस बात में नहीं कि एहराम की हालत में घरों में उनके पिछवाड़े की तरफ से आओ, बल्कि नेकूकार वो है जो परहेजगार हो, और घरों में उनके दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो,
मगर ज्यादती न करना कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता, और उनको जहां पाओ कत्ल कर दो, और जहां से उन्होंने तुमको निकाला है यानी मक्के से वहां से तुम भी उनको निकाल दो, और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्लो खूनरेजी से कहीं बढ़कर है, और जब तक वो तुमसे मस्जिद हराम यानी खाने काबा के पास न लड़े तुम भी वहां उनसे न लड़ना, हां अगर वो तुमसे लड़े तो तुम उनको कत्ल कर डालो, काफिरों की यही सजा है, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो अल्लाह बख्शने वाला है रहम करने वाला है, और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फसाद नाबूद हो जाए और मुल्क में अल्लाह ही का दीन गालिब हो जाए, फिर अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अदब का महीना अदब के महीने के मुकाबिल है, और अदब की चीजें एक दूसरे का बदला है, बस अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती वो तुम पर करे वैसी ही तुम उस पर करो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है, और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो, और नेकी करो बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है, और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो, और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ, और अगर कोई तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे, फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो करे, और जिसको कुर्बानी न मिले वो 3 रोजे अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो, ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहलो अयाल मक्के में न रहते हों, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में न औरतों से इख्तिलात करे न कोई बुरा काम करे और न किसी से झगड़े, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा, और ज्यादा राह यानी रस्ते का खर्च साथ ले जाओ क्योंकि बेहतरीन ज्यादा राह परहेजगारी है, और ऐ अहले अक्ल मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुना नहीं कि हज के दिनों में बजरिया तिजारत अपने परवरदिगार से रोजी तलब करो, और जब अराफात से वापस होने लगो तो मशरे हराम यानी मुजदलिफा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुमको सिखाया, और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से महज नावाकिफ थे, फिर जहां से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मीना में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा, और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोजख के अजाब से महफूज रखियो, यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजरे नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और कयाम मीना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं अल्लाह को याद करो, अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुना नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुना नहीं, ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे, और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की जिंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है, और वो अपने माफिस जमीर पर यानी उस बात पर जो उसके दिल में है अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है, और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो जमीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेजी करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्ल को नाबूद कर दे, और अल्लाह फितना अंगेजी को पसंद नहीं करता, और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से खौफ कर तो गुरूर उसको गुनाह में फंसा देता है, सो उसको जहन्नम काफी है और वो बहुत बुरा ठिकाना है,
और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे न चलो, वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतजिर हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब बादल के सायबानों में आ नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए? और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। ऐ पैगंबर, बनी इसराइल से पूछो कि हमने उनको कितनी खुली निशानियां दी, और जो शख्स अल्लाह की नेमत को अपने पास आने के बाद बदल दे तो अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। और जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा कर दी गई है और वो मोमिनों से तमस्खुर करती हैं, लेकिन जो परहेजगार हैं वो कयामत के दिन उनसे ऊपर होंगे। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने उनकी तरफ बिशारत देने वाले और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे और उन पर सच्चाई के साथ किताबें नाजिल की ताकि जिन उमूर में लोग इख्तिलाफ करते थे उनका उनमें फैसला कर दे। और उसमें इख्तिलाफ भी उन्हीं लोगों ने किया जिनको किताब दी गई थी, बावजूद के उनके पास खुले हुए अहकाम आ चुके थे। और ये इख्तिलाफ उन्होंने सिर्फ आपस की जिद से किया। तो जिस अमर हक में वो इख्तिलाफ करते थे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनों को उसकी राह दिखा दी, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि यूं ही बहिश्त में दाखिल हो जाओगे? और अभी तुमको पहले लोगों की सी मुश्किलें तो पेश आई ही नहीं, उनको बड़ी बड़ी सख्तियां और तकलीफें पहुंची और वो सऊबतों में हिला हिला दिए गए, यहां तक कि पैगंबर और मोमिन लोग जो उनके साथ थे सब पुकार उठे कि कब अल्लाह की मदद आएगी। देखो अल्लाह की मदद अनकरीब आया चाहती है। ऐ नबी, लोग तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह का माल खर्च करें। कह दो कि जो चाहो खर्च करो, लेकिन जो माल खर्च करना चाहो वो दर्जा बदर्जा अहले इस्तेहकाक यानी मां बाप को और करीब के रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को सबको दो, और जो भलाई तुम करोगे अल्लाह उसको जानता है। मुसलमानों, तुम पर अल्लाह के रस्ते में लड़ना फर्ज कर दिया गया है और वो तुम्हें नागवार तो होगा, मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुजिर हो। और इन बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे इज्जत वाले महीनों में लड़ाई करने के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें लड़ना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उससे कुफ्र करना और मस्जिद हराम यानी खाने काबा में जाने से बंद करना और अहले मस्जिद को उसमें से निकाल देना जो ये कुफार करते हैं, अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा गुनाह है और फितना अंगेजी खूनरेजी से भी बढ़कर है। और ये लोग हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे, यहां तक कि अगर मकदूर रखें तो तुमको तुम्हारे दीन से फेर दें। और जो कोई तुम में से अपने दीन से फिर कर काफिर हो जाएगा और काफिर ही मरेगा तो ऐसे लोगों के आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद हो जाएंगे, और यही लोग दोजख में जाने वाले हैं जिसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के लिए वतन छोड़ गए और कुफार से जंग करते रहे वही अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं, और अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे शराब और जुए का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनमें गुनाह बड़े हैं और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, मगर उनके गुनाह फायदों से कहीं ज्यादा हैं। और ये भी तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में कौन सा माल खर्च करें। कह दो कि जो जरूरत से ज्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो यानी दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो। और तुमसे यतीमों के बारे में भी दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि उनकी हालत की इस्लाह बहुत अच्छा काम है, और अगर तुम उनसे मिलजुल कर रहना यानी खर्च इकट्ठा रखना चाहो तो वो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह खूब जानता है कि खराबी करने वाला कौन है और इस्लाह करने वाला कौन। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको तकलीफ में डाल देता, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।
और मोमिनों मुशरिक औरतों से जब तक वो ईमान न लाएं निकाह न करना, क्योंकि मुशरिक औरत खा तुमको कैसी ही भली लगे उससे मोमिन लौंडी बेहतर है। और इसी तरह मुशरिक मर्द जब तक ईमान न लाएं मोमिन औरतों को उनकी जौजियत में न देना, क्योंकि मुशरिक मर्द से खा वो तुमको कैसा ही भला लगे मोमिन गुलाम बेहतर है। ये मुशरिक लोगों को दोजख की तरफ बुलाती हैं और अल्लाह अपनी मेहरबानी से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने हुक्म लोगों से खोल खोल कर बयान करता है ताकि नसीहत हासिल करें। और तुमसे हैज के बारे में दरियाफ्त करती हैं, कह दो वो तो नजासत है, सो अय्याम हैज में औरतों से किनारा कश रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनसे मुकारबत न करो। हां जब वो पाक हो जाएं तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुम्हें इरशाद फरमाया है उनके पास जाओ, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि एक दिन तुम्हें उसके रूबरू हाजिर होना है। और ऐ पैगंबर ईमान वालों को बिशारत सुना दो और अल्लाह के नाम को इस बात का हीला न बनाना कि उसकी कसमें खा खा कर सुलूक करने और परहेजगारी करने और लोगों में सुलह साजगारी कराने से रुक जाओ। और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। अल्लाह तुम्हारी लगव कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम कसद दिली से खाओगे उन पर मुआवजा करेगा। और अल्लाह बख्शने वाला है बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लें उनको 4 महीने तक इंतजार करना चाहिए। अगर इस अरसे में कसम से रुजू कर लें तो अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। और अगर तलाक का इरादा कर लें तो भी अल्लाह सुनता है जानता है। और तलाक वाली औरतें 3 हैज तक अपने तईं रोके रहें। और अगर वो अल्लाह और रोजे कयामत पर ईमान रखती हैं तो उनको जायज नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ उनके शिकम में पैदा किया है उसको छुपाएं। और उनके खाविंद अगर फिर मुआफिकत चाहें तो इस मुद्दत में वो उनको अपनी जौजियत में ले लेने के ज्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक मर्दों पर वैसा ही है जैसे दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर 1 दर्जा फजीलत है और अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और यह जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हां अगर जनो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुना नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद 3री तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले उस पहले शौहर पर हलाल ना होगी। हां अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते के दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखती हैं। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्ने सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीके शाइस्ता रुखसत कर दो। और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो, और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ। और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोजे आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीजगी की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं
यह हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो मां को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए, और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी मां बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुना नहीं, और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुना नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुना नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। अगर तुम इशारे किनाए में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौल व करार ना करना, और जब तक इद्दत पूरी ना हो ले निकाह का पुख्ता इरादा ना करना, और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है हिल्म वाला है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका मेहर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुना नहीं, हां उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर यह एक तरह का हक है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा मेहर देना होगा। हां अगर औरतें मेहर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक्दे निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा मेहर दे दें तो उनको इख्तियार है, और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो यह परहेजगारी की बात है, और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। मुसलमानों सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज आसर पूरे एहतमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाली जाएं। हां अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुना नहीं, और अल्लाह जबरदस्त है हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान व नफका देना चाहिए, परहेजगारों पर यह भी हक है। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्ज हसन ना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज्यादा देगा, और अल्लाह ही रोजी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहलू ते ही करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे यह भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है
वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, उससे बढ़कर बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है, उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोश भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा कुशाइश वाला है, दाना है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। गरज जब तालूत फौजी लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हां अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद आदमियों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबले में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफार पर फतेह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से न हटाता रहता तो कुरए अर्ज तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुम बिला शुबा पैगंबरों में से हो। ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है, बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए, और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदुस से उनको मदद दी, और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानी आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे, और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंगो किताल न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ऐ ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें ना आमाल का सौदा हो और न दोस्ती और सिफारिश हो सके, और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हां जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है, उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा है जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है, तो जो शख्स बुतों से एतिकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता है सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं, यही लोग अहले दोजख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा,
जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। यह सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया। और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा, तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा, फिर उसको जिला उठाया और पूछा तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो, उसने जवाब दिया कि एक दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो, और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाए, और हां गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह गालिब है साहिब हिकमत है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100-100 दाने हों, और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है, और कयामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए उससे तो नर्म बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है, और अल्लाह बेनियाज है बुर्दबार है। मोमिनों अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं रखता, तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे, और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल एक बाग किसी है जो ऊंची जगह पर वाकई हो, जब उस पर जोर का मेह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मेह ना भी पड़े तो खैर फुहार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्ने नन्ने बच्चे भी हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनों जो पाकीजा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो, और बुरी और नापाक चीजें देने का कस्द न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं तो बजुज इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो उनको कभी न लो, और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंग दस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली, और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो अल्लाह उसको जानता है,
और जालिमों का कोई मददगार न होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो और दो भी जरूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनों, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम्ही को है, और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे, और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हाँ, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहां तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको तवंगर ख्याल करता है, और तुम कियाफे से उनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं, और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे, कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है, और उनको कयामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका, और कयामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोजखी हैं कि हमेशा दोजख में जलते रहेंगे। अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और जकात देते रहे, उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहां मिलेगा, और कयामत के दिन उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनों, अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो, फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। और अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त हो तो उसे कुशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो, और अगर जरे कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते के समझो। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे, और हर शख्स अपने आमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुय्यन के लिए कर्ज का मुआमला करने लगो तो उसको लिख लिया करो, और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे। नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे, और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए, और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे, और जरे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए। और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या जईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए, और अपने में से दो मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो, और अगर दो मर्द न हो तो एक मर्द और दो औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं, कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी, और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में सुस्ती न करना, ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है, और शहादत के लिए भी यह बहुत दुरुस्त तरीका है, इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा। हां, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुना नहीं। और जब खरीदो फरोख्त किया करो, मसलन जमीन जायदाद की, तो भी गवाह कर लिया करो, और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें। अगर तुम लोग ऐसा करो तो यह तुम्हारे लिए गुनाह की बात है, और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।
और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मगफिरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखती हैं, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, ऐ परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता, अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो, ऐ परवरदिगार हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था, ऐ परवरदिगार जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो, और ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मददगार है सो हमको काफिरों पर गालिब कर।